नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप देख रहे हैं भारत समाचार। हिंसा की आग जो कल दिख रही थी वो आज भी चारों तरफ दिख रही है। जामिया के छात्रों ने प्रदर्शन किया है, दिल्ली में छात्रों का अर्धनग्न प्रदर्शन है। ये विरोध है, ये विरोधात्मक प्रदर्शन है। हॉस्टल छोड़कर जा रहे छात्र, लखनऊ के नदवा में प्रदर्शन हो रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसीलिए डीजीपी को तलब कर लिया है, यानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओपी सिंह को तलब किया है। दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है लगातार और डीजीपी ओपी सिंह तलब किए गए। हम आपको तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली में अर्धनग्न प्रदर्शन, जो कल कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ से उसके खिलाफ हैं ये छात्र। और दूसरी देखिए, दिल्ली की आग लखनऊ आ गई, यानी उत्तर प्रदेश आ चली और डीजीपी ओपी सिंह को तलब कर लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। पूछा ये माहौल कैसे बिगड़ा, जरा बतलाइए दिल्ली की आग उत्तर प्रदेश में कैसे फैल गई। इन्हीं सब सवालों को जानने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तलब किया है यूपी पुलिस के डीजीपी को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जामिया हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई, इंदिरा जय सिंह की याचिका पर कल सुनवाई होगी। जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों की पिटाई के मामले में इंदिरा जय सिंह की सुनवाई कल होगी। छात्रों को कोर्ट की मदद चाहिए, यह कहना है इंदिरा का। हिंसा में पुलिस आखिर क्या करेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह सवाल है। हिंसा में पुलिस आखिर क्या करेगी, सवाल है। कल सुनवाई होगी, पहले हिंसा रोको, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबडे का यह बयान है। कल सुनवाई होगी, पहले हिंसा रोको, ये कहा है सीजीआई ने। एक बड़ी लाइन, जामिया हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल होगी, यानी कल सुनवाई की जाएगी मंगलवार को। जामिया के बाहर एक बार फिर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली पुलिस के खिलाफ छात्र नारेबाजी कर रहे हैं। कल की घटना को लेकर छात्र छात्राओं का प्रदर्शन जारी है। बिना कपड़े के भी कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई हैं। ठंड बहुत ज्यादा है, तापमान गिरता जा रहा है, लेकिन मौजूद है जामिया के पास, जहां आपको सीधा तस्वीरें दिखाते हैं। जो छात्र हैं अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और अब दिल्ली पुलिस आया है कि नारे लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं सड़क पर जो है तमाम छात्र इस वक्त बैठ गए हैं और प्रदर्शन लगातार अभी भी जारी है। दिल्ली पुलिस के खिलाफ में नारेबाजी की जा रही है। कमोवेश अगर आप ये तस्वीर देखें तो कल देर शाम से ही दिल्ली में इस तरह का प्रदर्शन लगातार जारी है छात्रों का। देख रहे हैं सर्दी में भी कुछ छात्र जो हैं कपड़े नहीं पहने हैं और बिना कपड़े के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये कहा जाए कि इनकी मांग जो है लगातार कल देर शाम से जारी है और प्रदर्शन लगातार जारी है। अब जो है छात्र दिल्ली पुलिस के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने कल कार्य किया है। छात्रों का कहना है कि इन पर लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए। तो अब कहीं ना कहीं कमोबेश जामिया के बाहर जो छात्र इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ में लगातार जो है छात्र नारेबाजी कर रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली। फ्रेंड जो है वो अब हॉस्टल छोड़ के जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ छात्राएं मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग हॉस्टल छोड़ के घर जा रहे हैं, कल रात क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हम लोग बस बाहर कैंटीन पे चाय पी रहे थे और सडनली बहुत ज्यादा क्राउड भाग के आया और हम भागते भागते सब लोग हॉस्टल के अंदर गए। उसके बाद पुलिस अंदर आई है हॉस्टल के, उनने बुलाया तो हमें लाइट्स ऑफ करके रूम शट करके बैठना पड़ा। क्या गर्ल्स हॉस्टल में भी पुलिस आई थी? जेएनके के हॉस्टल में आई थी, हमारे हॉस्टल में नीचे तक आई थी बट उन्हें अंदर नहीं आने दिया। तो क्या छात्राओं से जो गर्ल्स लड़कियां वहां पर मौजूद थी उनसे भी कुछ मारपीट की गई या उनके पर लाठीचार्ज किया? अंदर हॉस्टल में आके तो नहीं हुआ बट देखिए लुकिंग की कौन कौन इंजर्ड है उनको लेने आ रहे। तो फिलहाल जो जो इंजर्ड थे उनको लेने के लिए गर्ल्स हॉस्टल में पुलिस आई थी। तो गर्ल्स हॉस्टल में क्या कोई स्टूडेंट जो मेल स्टूडेंट थे वो भी आए थे वहाँ पे, उनको एंटर किया गया था? कुछ लोगों को लगी हुई थी और वहाँ पे कोई और जगह नहीं थी जाने के लिए तो वो अंदर आए थे। बिल्कुल जो हमारा वेटिंग एरिया होता है वहाँ पे आए हुए थे, उनको लगी हुई थी तो हम फर्स्ट एड वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे और पुलिस अंदर आई है कि कौन लोग इंजर्ड है हमें उनको लेके जाना। अच्छा थोड़ा सा आप मुझको जो लाइब्रेरी में हुआ उसके बारे में बता सकते हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हो? मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे वहाँ पे, वो बैठे हुए थे लाइब्रेरी में और इन लोगों ने शीशे तोड़े हैं, शीशे के अंदर से टेयर गैस फेंके,
बहुत सारे स्टूडेंट्स को सफोकेशन हो हुई थी, उनको ऑलरेडी ब्रीदिंग इश्यूज थे, तो वो सब हुआ है. और फिर उसके बाद परेड करके निकाला है, तो लाइक दे वर नॉट इवन टेररिस्ट, आर्म भी नहीं थे. साफ तौर पे छात्राओं के हॉस्टल में भी पुलिस कल गई थी और जो छात्र. और इस वक्त दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीमाब नकवी लखनऊ से जुड़े हैं और आवेश दिल्ली से जुड़े हैं. आवेश, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा, वहां क्या स्थिति है अभी, कैसा माहौल है, जरा वो बताइए आप. जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अभी गेट नंबर 4 के पास मौजूद हूँ. ये वो गेट है जो हॉस्टल्स की तरफ जाता है. यहाँ से अंदर जाएंगे तो 4 से 5 हॉस्टल जो हैं वो बॉयज़ हॉस्टल यहाँ पे हैं और लगातार स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ से बाहर आ रहे हैं. हमने अभी कुछ स्टूडेंट से बात भी किया था, उनका यही कहना है कि वो अपनी सुरक्षा को लेके गंभीर हैं, इसलिए वो हॉस्टल से जा रहे हैं. यहाँ पे आपको प्रशासन की तरफ से बोला गया, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बोला गया है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बोला गया और पेरेंट्स का भी बहुत ऊपर से ये फोर्सफुली आ रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकले ताकि हम सेफ फील करें, क्योंकि यहाँ हॉस्टल में हम सेफ नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. जिस तरह हम लोग के ऊपर कल अटैक किया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, आपको देखे होंगे, आप खुद पूरा देश शर्म. कल क्या हुआ था, दिल्ली पुलिस जब कैंपस में घुसी थी उसके बारे में अगर आप वहाँ पे मौजूद रहे हो आप बता सकते हो. दिल्ली पुलिस ने कैंपस में इस 4 नंबर गेट से 7 नंबर गेट से अंदर तक घुसे, लाइब्रेरी में घुस के वहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, कम्पिटेटिव एज की तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग स्टूडेंट जो एकदम कभी ऊपर टेस्ट से लेना देना नहीं है, उन लोगों का लाइब्रेरी में घुस के टीयर गैस, 8 टीयर गैस छोड़े गए जो वहाँ के दम घुट के मर जाए ये हो जाए, और अंदर घुस के भी लाठी चार्ज किए, बाथरूम तक भी घुस के और लड़की को और लड़के को सबको मारे गए. और वहाँ से फिर वहाँ जितने भी इधर उधर छुपे हुए थे पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट में भी ऊपर से टीयर गैस छोड़ के वहाँ भी जितने बच्चे थे उसको भी निकाल निकाल के मारे, यहाँ तक हॉस्टल में घुस गए थे, मस्जिद तक भी इमाम साहब को भी नहीं छोड़े. उसके बाद में हम लोग को हॉस्टल के अंदर भी टीयर गैस छोड़ा, जिस हम लोग रूम में रहते हैं रूम पे भी हम लोग के वहाँ बालकनी में टीयर गैस छोड़ा गया, हम लोग रूम बंद करके रहे. पुलिस का कहना है कि उनकी तरफ कैंपस के अंदर से पथराव हो रहा था, उसके बाद फिर वो अंदर घुसे. ऐसा कुछ नहीं है पथराव, हम लोग पीसफुली मार्च कर रहे. पहली बात स्टूडेंट था नहीं, सब स्टूडेंट को गार्ड पूरे गेट पे थे और चेक करके के आईडी कार्ड चेक कर. तो चलिए जामिया से लगातार अपडेट दे रहे हैं आवेश, गेट नंबर 4 पर है हमारे साथ सीमाब नकवी जुड़े हुए हैं. सीमाब नकवी जरा बतलाइए कि यहां कैसे माहौल है, चूंकि यहां भी देखा गया है कि दिल्ली के बाद यहां भी माहौल धीरे धीरे खराब हो रहे हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने तलब भी किया था डीजीपी को. देखिए आपको बताएं कि इस वक्त हम नदुआ कॉलेज के गेट पे मौजूद हैं और बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे प्रदर्शन जो चल रहा है वो बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ पर आ चुका है, छात्र हैं और यहाँ पे प्रदर्शन लगातार सीएबी और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है. दिल्ली पुलिस द्वारा जो कल लाठीचार्ज किया गया उसमें बता रहे हैं यहाँ के छात्र की, एक छात्र की मौत भी हो गई है, उन सब चीजों को लेकर प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं. बड़ी संख्या में जो है वो यहाँ पे पहुंच गए हैं और इन इस परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला अधिकारी और जो है एसएसपी खुद मौके पर आए हैं और उन लोग जो है वो लगातार समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं. लगातार जो है वो माइक से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो भी करना है नदुआ कॉलेज के अंदर करें, और पूरा स्टाफ जो नदुआ कॉलेज का है वो भी लगा हुआ है. थोड़ी देर पहले सईदुर रहमान आजमी साहब आए थे जो कि नदुआ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने छात्रों से बात की और कहा कि प्रदर्शन सड़क पे ना करके अंदर आप लोग आ जाएं, तो कुछ छात्र तो उनकी बात माने लेकिन बड़ी संख्या का में एक छात्रों का तबका है वो किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है. आप देख सकते हैं कि कुछ लोग धरने पे बैठे हुए हैं और नदुआ कॉलेज से अंदर से बाहर तक बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और इस बिल को लगातार हटाने की मांग कर रहे हैं. दरअसल ये तो कानून बन गया है, बिल तो रहा नहीं, कानून बन गया है और इस कानून का विरोध यहां पर हो रहा है. दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में, फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आ जाइए और उसके बाद अब नदवा कॉलेज में भी इसका विरोध होना शुरू हो गया है, जिसका जिक्र सीमाब लगातार कर रहे हैं. और जानते हैं रोहित लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, बीएचयू में हालात कैसे हैं ये रोहित बताएंगे. रोहित बताइए. देखिए बीएचयू में कल रात को जब स्टूडेंट को पता चला था अलीगढ़ की घटना के बारे में तब उन लोगों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन आधे घंटे बाद उन लोगों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया था और उन्होंने चेतावनी दी थी कि आज वो लोग प्रदर्शन करेंगे. 11:30 बजे का समय दिया था, हालांकि अभी तक छात्र जो है जुटे नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पे सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस वगैरह तैनात कर दी गई है. फिलहाल अभी अपडेट है कि अभी सब कुछ शांत चल रहा है, लेकिन इसको प्रशासन शांत मान के नहीं चल रहा है, अचानक कुछ भी हो सकता है, इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पहले से कर रखी है.
यानी लगभग यहां माहौल शांत है। अवेश लगातार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अवेश, क्या यहां पर जितने भी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो हॉस्टल में रह रहे हैं, उन सभी को यह कह दिया कि आप लोग अपने अपने घर जाइए जल्दी जल्दी? जी बिल्कुल, 5 तारीख तक जो है वो जामिया यूनिवर्सिटी में छुट्टी घोषित कर दी गई थी। उसके बाद से लगातार हॉस्टल में जो छात्र बने हुए थे उनसे कहा जाता है कि हॉस्टल जो है वो खाली कर दें। इस वक्त मैं गेट नंबर 4 पे हूँ, मगर मैं अगर मेरे कैमरामैन राहुल दिखाऊंगा दूसरी साइड जो गेट नंबर 3 है, मेन गेट जो है जामिया का, वहाँ पर लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ छात्रों ने अपनी टी शर्ट उतार के भी वहाँ पर प्रदर्शन किया ठंड में, और ये लगातार दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने कल जामिया के हॉस्टल में घुस के एक्शन लिया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से की जानी चाहिए। अब से थोड़ी देर बाद जो जामिया की वीसी हैं वो यहाँ पे आएंगी और छात्रों से मिलेंगी और 11:30 बजे के आसपास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। तो फिलहाल अभी यहाँ पे जो माहौल है, छात्र रोड पे उतरे हुए हैं, जामिया का जो गेट है उसके सामने वहाँ पे लगातार नारेबाजी हो रही है और प्रदर्शन जो है उन लोग का चल रहा है। हालांकि दूसरी साइड अगर बात करें, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो या बॉयज़ हॉस्टल हो, सुबह से ही लड़कियाँ जो हैं वो अपने रूम हॉस्टल। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर है, नदवा के छात्र फिर सड़क पर उतरे हैं, जैसा कि सीमा बता भी रहे थे, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर।